हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल, फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, ये किन अलग अलग कारणों से आपको हो सकता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपने कंधे की अकड़न, पेन और स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, और फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के बाद कंधे की फंक्शनल मूवमेंट के लिए, कंधे की एक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, कंधे की मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको, इन सारे टॉपिक्स पे अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप यहां से जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप फ्रोजन शोल्डर से परेशान हैं तो फ्रोजन शोल्डर के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कंधे की कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं, ट्रीटमेंट की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए आपको, जिनकी वजह से आपके कंधे की कंडीशन और खराब हो सकती है, आपके कंधे के ट्रीटमेंट की जो रिकवरी है वो स्लो हो सकती है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम कुछ डूज और कुछ डोंट्स की बात करेंगे, यानी कि प्रिकॉशंस की बात करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर आप कंधे की रिकवरी के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनकी वजह से आपके कंधे की कंडीशन और खराब हो सकती है, रिकवरी स्लो हो सकती है, तो फिर कंधे के ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आपको इन सारे डूज और डोंट्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है अगर आप अपने फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको हर हाल में फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले डूज की बात करते हैं, यानी कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप किसी अच्छे ज्वाइंट स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपके कंधे को डायग्नोस करके फ्रोजन शोल्डर के रूट कॉज का पता करके कुछ मेडिसिन और फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे। किसी फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में कुछ ज़रूरी स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज करिए, ताकि आप अपने कंधे की स्टिफनेस और पेन को कम कर सकें। कंधे की अच्छी मोबिलिटी के लिए आप अपने कंधे को काम में लेते रहें, यानी कि कंधे को फंक्शनल एक्टिव रखें। एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट तक अपने कंधे के चारों तरफ गर्म पानी की सेंक करें, और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद 10 मिनट तक आइस पैक लगाएं, ताकि किसी भी तरह के मसल सोड़नेस से आप बच सकें। शुरू के कुछ दिन में जब दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो डॉक्टर के सलाह पर पेन रिलीफ मेडिसिन लिया जा सकता है। फ्रोजन शोल्डर के दौरान अकड़न और दर्द की वजह से हमारा पोस्चर खराब होकर राउंडेड या हम्प हो जाता है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। फ्रोजन शोल्डर में पोस्चर के करेक्शन के लिए इस तरह से आप एक टॉवल का रोल ले लेंगे, अपर बैक के ऊपर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में इस तरह से रख लेंगे, अपने दोनों कंधे को बेड की तरफ नीचे मूव करेंगे, और इस पोजीशन में जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे इस तरह से लेटना है, और दिन में दो बार करिए। फ्रोजन शोल्डर में करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर रखना बहुत ही जरूरी है। दर्द वाले साइड सोना अवॉइड करें, अफेक्टेड साइड को ऊपर रखें, और दर्द वाले हाथ को एक तकिए के ऊपर इस तरह से रखें जैसे आप तकिए को हक कर रहे हों। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो दर्द वाले बाजू और कंधे के नीचे एक पतला तकिया या टॉवल को फोल्ड करके रख लीजिए, ताकि आपका कंधा थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाए, और हाथ को बेंड करके अपनी बॉडी के ऊपर रख लें। जब कंधे की रेंज खुल जाए और दर्द कम हो जाए तो कंधे की मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, ताकि आप कंधे की मूवमेंट को बेहतर बना सकें और कंधे को रोज़मर्रा के कामों में अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। अब वो बातें जो आपको नहीं करनी है। फ्रोजन शोल्डर में कंधे को प्रॉपर रेस्ट न दें, कंधे से काम लेते रहें और सारी एक्सरसाइजेस करते रहें, क्योंकि कंधे को रेस्ट देकर रखने से, कंधे को इमोबिलाइज करके रखने से कंधे की स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। जो कंधे के चारों तरफ कैप्सूल होता है उसमें एडेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई ऐसा काम न करें जिससे कंधे का दर्द तेज़ी से बढ़ जाए, जैसे झटके से सामान उठाना, जर्की मूवमेंट, भारी सामान उठाना या कैरी करना, ज़्यादा देर तक दर्द वाली साइड पर बैग लटकाना, दर्द वाले कंधे को नीचे रख कर सोना अवॉइड करें। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बिना फिजियोथेरेपिस्ट के परमिशन के स्टार्ट न करें। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट और उसकी रिकवरी के दौरान इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके कंडीशन को बेहतर बनाएंगी, रिकवरी को फास्ट करेंगी, और इनमें से कुछ बातें जो डोंट्स हैं वो ऐसी हैं जो आपके कंधे की कंडीशन को ख़राब करती हैं और आपके रिकवरी को, ट्रीटमेंट की रिकवरी को स्लो कर देती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी सेगमेंट लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।